चलो नहीं, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेंगे कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। शुद्ध रूप से बौखला गए हैं अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, वो मनोरोगी हो चुका है, पागल हो चुका है। उसका सिर्फ एक ही दवा है, इस गदा से उसका मुंह तोड़ देना बस, और कोई दवा उसके पास अब नहीं बचा है। दुर्भाग्य की बात है, यह बोल माननीय अखिलेश यादव जी का है, ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य का। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का होता तो अभी तक कार्रवाई हो गई होती, ये बोलने लायक नहीं होते। शुद्ध रूप से बौखला गए हैं अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, वो मनोरोगी हो चुका है, पागल हो चुका है। उसका सिर्फ एक ही दवा है, इस गदा से उसका मुंह तोड़ देना बस, और कोई दवा उसके पास अब नहीं बचा है। क्योंकि आप बताओ, उसने यह कह दिया कि पत्थर में जान डालते हैं, मुर्दे में जान डालकर दिखाएं, कितनी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, आस्था के साथ शुद्ध रूप से खिलवाड़ है। एक का ही चारा है, इस गदा से मुंह तोड़वा दें बस, और बाकी कुछ नहीं। हाँ, पहले तो मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, हमारे ठाकुर जी टाट से ठाठ में भव्य दिव्य नव मंदिर में पधार चुके हैं। आपसे अपील है, निवेदन है, बहुत भीड़ हो रही है, मैंने देखा हनुमानगढ़ी पे जनसैलाब, राम जन्मभूमि पे जनसैलाब, राम जन्मभूमि पे इतनी जनसैलाब है, आस्था का ज्वार है कि हर व्यक्ति पहुंचना चाह रहा है। इस चैनल के माध्यम से विनम्र अपील करना चाहूंगा आप सभी सनातनी, सभी राम भक्त से, आराम आराम से आप आए और दर्शन करें, सबको दर्शन मिलेगा, दर्शन सुलभ है, दर्शन की कोई समस्या नहीं है, आराम से आइए दर्शन करिए। और क्या बात है, राम में, सनातन में, हिंदुत्व में, भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ा है।